हेमंत सोरेन जी ने वादा किया था कि प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरी देंगे। मैं इस सभा के युवाओं को पूछना चाहता हूं, प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरी मिला है क्या? अरे भाई, जोर से बोलो, उनको सुनाई नहीं पड़ता है हेमंत जी को? प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरी मिला है क्या? और नौकरी की जगह दौड़ा दौड़ा कर युवा मर जाए तब तक दौड़ाने का काम ये हेमंत सोरेन ने किया है। हेमंत सोरेन ने किया है, एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं। एकेडमिक काउंसिल का पेपर लीक हुआ, जूनियर इंजीनियर का पेपर लीक हुआ, लैब असिस्टेंट का पेपर लीक हुआ, नगर पालिका का पेपर लीक हुआ, ग्रेजुएट लेवल की नौकरी का पेपर लीक हुआ और जेपीएससी का पेपर भी लीक हो गया। पैसा लेकर पेपर बांटते हैं और गरीब युवा आदिवासियों को नौकरी नहीं मिलती है। भाइयों बहनों, हम वादा कर जाते हैं, हमारा घोषणा पत्र आएगा, मगर ये सारे पेपर लीक वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इन्होंने वादा किया था कि राज्य की विधवा बहनों को 2500 रुपया देंगे, मुझे बताओ मिला क्या? अरे जोर से बोलो, मिला क्या? बेरोजगारी भत्ता युवाओं को देना था, मिला क्या? 5 लाख नौकरियां मिली क्या? राज्य के किसी भी गरीब को हर साल 72,000 रुपया देना था, मिला क्या? नवविवाहित बहनों को सोने का सिक्का देने वाले थे, मिला क्या? भाई आपने तो भ्रष्टाचार के अलावे कुछ नहीं दिया, आपने अगर दिया तो भ्रष्टाचार। जी से आग्रह करता हूं कि आप देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को अंगबस और बुके देकर सम्मानित करें। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, अब मैं राजमहल विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय आनंद ओझा जी एवं लोबिन हेमनम जी को आमंत्रित करता हूं कि आप देश के यशस्वी गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी को मोमेंटो एवं गुलदस्ता देकर उनका अभिनंदन करें। अब मैं देश के यशस्वी गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और हम सबों का उत्साहवर्धन करें और अपना विचार रखें। आदरणीय श्री अमित शाह जी, मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, ऐसी आवाज करोगे क्या? यहां से आवाज रांची तक जानी चाहिए कि इस बार परिवर्तन होने वाला है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज परिवर्तन यात्रा के शुभारंभ के मौके पर मंच पर उपस्थित श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी,
प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष महोदय, हमारे असम के अति लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत विश्व शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन जी, श्री दीपक प्रकाश जी, अनंत कुमार ओझा जी, अमित मंडल जी, श्री लोबिन हेम्ब्रम जी, और आज इस विराट जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, मेरा सौभाग्य है कि बाबा वैद्यनाथ की भूमि पर, इस संथाल की पवित्र भूमि पर मैं आज परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर रहा हूं। भाइयों बहनों, यहां आया हूं तब ये वीरों की, स्वतंत्र सेनानियों की पवित्र भूमि को मैं प्रणाम करता हूं, बाबा वैद्यनाथ को प्रणाम करता हूं और उत्तर वाहिनी मां गंगा की पावन धारा को भी प्रणाम कर मैं मेरी बात की शुरुआत करता हूं। यहां आने से पहले मैं शहीद भूमि पर, वीर भूमि पर संथाल विद्रोह के महानायक सिद्धू कानू को प्रणाम कर आया हूं, और इसी क्रम में भगवान बिरसा मुंडा, बाबा तिलका मांझी, वीर तेलंगा खड़िया, शहीद बुधू भगत, पोटो हो, अमर शहीद गणपत राय, देवी फूलो जानो और देवी मां की मुंडा को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, आज यहां से झारखंड 2024 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। ये परिवर्तन यात्रा आने वाले दिनों में झारखंड के गांव गांव में जाएगी, घर घर को पहुंचेगी और एक परिवर्तन का संदेश देगी। परिवर्तन किस चीज का करना है? मुख्यमंत्री का परिवर्तन नहीं करना, जेएम और कांग्रेस की जगह भाजपा की सरकार लाने का परिवर्तन नहीं करना है। परिवर्तन करना है ये भ्रष्टाचारी सरकार हटाकर भ्रष्टाचार रोकने वाली सरकार लाने का परिवर्तन करना है। परिवर्तन करना है ये आदिवासियों की भूमि, आदिवासियों की बच्चियां और आदिवासियों के संस्कार को घुसपैठियों के हाथ तबाह करने वाली सरकार हटाकर चुन चुन कर घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने वाली सरकार लाना है। हमारे किसानों का आय बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी जी की समर्थन करने वाली सरकार लाना है। और मेरे आदिवासी युवा, मेरे युवा भाई बहन, यहां से देश भर में रोजगारी के लिए जाते हैं, इसकी जगह रोजगारी ये संथाल परगना में आए ऐसी सरकार लानी है। भाइयों बहनों, हम मुख्यमंत्री सिर्फ बदलना नहीं चाहते, हम झारखंड को बदलना चाहते हैं। आज मैं याद कराना चाहता हूं, झारखंड की रचना भाजपा के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की, और
हेमंत सोरेन की सरकार ने जन कल्याण की जगह घुसपैठिया कल्याण अपनाया है। भाइयों बहनों, आज पाकुड़ जिले में हिंदुओं और आदिवासी झारखंड छोड़ो ऐसे नारे लगते हैं। मुझे बताओ, ये भूमि हमारे आदिवासियों की है या रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की है? जोर से बोलो, आदिवासियों की है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? इसको बचाना है या नहीं बचाना है? क्या हेमंत बाबू बचा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी बचा सकती है? कौन बचा सकता है? केवल और केवल नरेंद्र मोदी बचा सकते हैं, भाजपा बचा सकती है। भाइयों बहनों, ये लालू यादव की पार्टी जेएमएम और राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी, ये तीनों का वोट बैंक है घुसपैठिए। वोट बैंक के डर से वो घुसपैठ को रोकते नहीं, मगर मैं आज आपको कहकर जाता हूं, भगवान भला करे, झारखंड हाई कोर्ट का अभी अभी आदेश दिया है कि एक कमेटी बनाओ झारखंड सरकार और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की। भाइयों बहनों, ये झारखंड सरकार बदल दो, मैं आपको वादा कर जाता हूं, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर झारखंड के बाहर निकालने का हम काम करेंगे। हमारे ही प्रदेश में आदिवासियों की जगह एक घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। हमें इसको रोकना पड़ेगा, और ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती। भाइयों बहनों, इन्होंने वादा दिया था, हेमंत बाबू मेरा जवाब देना कृपया, आपने भाई ये पीली जर्सी बैठ जाओ जरा, वो पीली जर्सी वाले पत्रकार भाई आप नीचे आ जाओ जरा, आप नीचे आ जाइए, थोड़ा नीचा हो जाइए, पीछे दिखाई नहीं पड़ता है, अरे सुनाई पड़ता है क्या आपको? आप नीचे बैठिए जरा प्लीज, बस चलो अब तुम भी बैठ जाओ भाई, बाकी सारे लोग बैठ जाओ। भाइयों बहनों, ये हेमंत सोरेन जी ने वादा किया था कि प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरी देंगे। मैं इस सभा के युवाओं को पूछना चाहता हूं, प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरी मिला है क्या? अरे भाई जोर से बोलो, उनको सुनाई नहीं पड़ता है हेमंत जी को? प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरी मिला है क्या? और नौकरी की जगह दौड़ा दौड़ा कर युवा मर जाए तब तक दौड़ाने का काम ये हेमंत सोरेन ने किया है, हेमंत सोरेन ने किया है। एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, एकेडमिक काउंसिल का पेपर लीक हुआ, जूनियर इंजीनियर का पेपर लीक हुआ, लैब असिस्टेंट का पेपर लीक हुआ, नगर पालिका का पेपर लीक हुआ, ग्रेजुएट लेवल की नौकरी का पेपर लीक हुआ, और जेपीएससी का पेपर भी लीक हो गया। पैसा लेकर पेपर बांटते हैं और गरीब युवा आदिवासियों को नौकरी नहीं मिलती है। भाइयों बहनों, हम वादा कर जाते हैं, हमारा घोषणा पत्र आएगा, मगर ये सारे पेपर लीक वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इन्होंने वादा किया था
कि राज्य की विधवा बहनों को 2500 रुपया देंगे, मुझे बताओ मिला क्या? अरे जोर से बोलो, मिला क्या? बेरोजगारी भत्ता युवाओं को देना था, मिला क्या? 5 लाख नौकरियां मिली क्या? राज्य के किसी भी गरीब को हर साल 72,000 रुपया देना था, मिला क्या? नवविवाहित बहनों को सोने का सिक्का देने वाले थे, मिला क्या? भाई आपने तो भ्रष्टाचार के अलावे कुछ नहीं दिया, आपने अगर दिया तो भ्रष्टाचार दिया। भाइयों और बहनों, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहकर जाता हूं, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पूरे देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी सरकार अगर कहीं है तो झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार। ये इतनी बड़ी सभा है, हजारों हजारों लोग रोड तक खड़े हैं, किसी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? अरे जोर से बोलो, देखा है क्या? बाकी के जीवन में देख पाओगे क्या? तो मैं आपको कहता हूं, कल भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पर चले जाइए, कांग्रेस नेता धीरज साहू के घर से 350 करोड़ रुपया मिला, उसका दृश्य आपको देखने को मिलेगा। भाइयों बहनों, मैं हेमंत जी को पूछना चाहता हूं, हेमंत बाबू ये 350 करोड़ रुपया किसका है? धीरज साहू का है क्या? भाइयों बहनों, ये 350 करोड़ रुपया मेरे संथाल के गरीब युवा और आदिवासी मां का रुपया ये लोग ऐंठ कर ले गए, ऐंठ कर ले गए हैं। झारखंड के कांग्रेस के मंत्री आलमगीर आलम, उनके घर से 35 करोड़ नकदी मिली, 35 करोड़। और जब एसबीआई के ऑफिसरों ने बाहर निकल इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा, गिनते गिनते हमारे मशीन गरम हो जाते थे, मशीन गरम हो जाते। भाइयों बहनों, 1,000 करोड़ का मनरेगा घोटाला किया, 600 करोड़ का जमीन घोटाला किया, 1,000 करोड़ का खनन घोटाला किया, सेना की जमीन भी खा गए, 40 करोड़ का शराब का घोटाला किया। मुझे बताओ, एक घोटाले करने वाली सरकार मेरे आदिवासियों का भला कर सकती है क्या? जोर से बोलो, कर सकती है क्या? भला करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। पहली बार संथाल के गरीब आदिवासी की बेटी पहली बार आज राष्ट्रपति भवन में बैठी है, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनकर बैठी है। ये काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नक्सलवाद को झारखंड के समाप्त कर विकास के रास्ते पर चढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस पूरे देश भर में मनाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और 200 करोड़ की लागत से 10 आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों का संग्रहालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और भाइयों बहनों, ये जेएमएम और कांग्रेस आदिवासी कल्याण की बात करती है, मैं उनको पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार थी कितना बजट था? वो नहीं बताते, मगर मैं बता देता हूं, 2013-14 में
उनका बजट 30,000 करोड़ था, 30,000 करोड़। कितना था? अरे जोर से बोलो, कितना? और मोदी जी ने 2014-13-14 की अपेक्षा 24-25 में 1,30,000 करोड़ आदिवासी कल्याण के लिए दिए हैं। भाइयों बहनों, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का पैसा दिया और अब प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान 63,000 गांवों को 50,000 करोड़ से डेवलप करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आज कहकर जाता हूं, हमारा घोषणा पत्र आएगा, 75 साल से ज्यादा जिनकी आयु है वो सभी घरों में 10 लाख तक का इलाज गरीबों का मुफ्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, आपके धान को हम उचित दाम से खरीदेंगे। और आज झारखंड के गांवों में सड़क नहीं है, सड़क है तो एम्बुलेंस नहीं है, एम्बुलेंस है तो अस्पताल नहीं है, और अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है। मैं आपको कहकर जाता हूं, 5 साल मोदी जी पर भरोसा करो, सड़क, एम्बुलेंस, अस्पताल और डॉक्टर, ये सारे का सारा हर तहसील में बनाने का काम और हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम हम करेंगे। भाइयों बहनों, संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या 44% थी। कितनी थी भाई? 44%, 44% कितनी थी? अब हेमंत सोरेन के राज में 28% हो गई है। भाइयों बहनों, 37 आदिवासी बहनों पर बलात्कार हुआ, 33 आदिवासियों की पुलिस कस्टडी में मौत हुई, साहिबगंज की आदिवासी बेटी रीबिका की हत्या हो गई, दुमका की बेटी अंकिता की हत्या हुई। कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये करने वाले उनकी वोट बैंक है, वो घुसपैठिए हैं। मैं आज कहकर जाता हूं, आप यहां कमल फूल की सरकार बनाओ, एक घुसपैठिए को हम उल्टा लटका कर सीधा करने का काम हम करेंगे। भाइयों बहनों, देश की सबसे बड़ी योजनाएं मोदी जी ने झारखंड से लॉन्च की, आयुष्मान भारत योजना झारखंड से लॉन्च की, मुद्रा योजना झारखंड से लॉन्च की, पीएम जनमन झारखंड से लॉन्च किया, और 25 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को भी देश में आदिवासी गौरव वर्ष घोषित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एक और, भ्रष्टाचार कर अपने परिवार का कल्याण करने वाले एक गमंडिया गठबंधन है, और दूसरी ओर आदिवासियों का कल्याण करने वाले नरेंद्र मोदी और भाजपा है। एक और, घुसपैठियों से चुनाव जीतने का षड्यंत्र करने वाले हेमंत बाबू है, और दूसरी ओर आदिवासियों की रक्षा के लिए घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालने वाली भारतीय जनता पार्टी है। अब आपको तय करना है, मुझे बताओ भाइयों बहनों, आने वाले चुनाव में संथाल का, अरे जोर से माताएं बहनें भी बोले, लाओगे क्या? भाजपा सरकार बनाओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? ये सरकार बदलोगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचो और प्रचंड आवाज से बोलो, भारत
माता की, वंदे वंदे वंदे।